वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए शलजम और चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है, ये हमारे पास इंग्रेडिएंट है 1 kg शलजम है और ऊपर से मैंने छिलके उतार लिया, बाकी मैं इसको पील करके चिकन को भूनते हुए डाल दूँगी। ये चिकन है 1/2 kg और ये 1 चम्मच हमारे पास मिर्च, हल्दी, रेड चिली और सॉल्ट और ज़ीरा वगैरह मसाला चाहता है। ये 2 अदद प्याज है, इसमें से हम थोड़ी सी पालक और धनिया ऐड करेंगे। और ये हमारा ऑयल है सरसों का और ये हमारी पेस्ट है लहसुन अदरक की, ये मैंने ब्लेंड कर ली है। और इसको जैसे ही अब हम इसका ऑन करते हैं, ये हमारा फ्लेम ऑन हो गया। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, ऑयल गर्म होता है फिर इसमें हम ऑनियन ऐड कर देंगे। आप पालक अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको अगर अच्छा लगता है तो डालें, अगर नहीं अच्छा लगता तो आपकी मर्ज़ी। और ये सारे मसाला जात भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है इसमें हम प्याज डालते हैं और उतनी देर हम शलजम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें चिकन में हमने ये मसाला सारा ऐड कर दिया था, टमाटर, लहसुन, अदरक की पेस्ट वगैरह। 15-20 मिनट इसको मैरिनेट किया और शलजम भी मेरे कटिंग हो चुके हैं और ये प्याज भी ब्राउन हो चुका है। और अब इसमें हम ये चिकन सारा ऐड कर देंगे और 5-10 मिनट भून के साथ ही शलजम डाल के और इसको स्टीम पे रख देंगे और साथ ही पालक ऐड कर देंगे और इससे हमारे शलजम बहुत टेस्टी तैयार होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली जो अभी कहीं से भी हमें वॉच कर रहा है, देख रहा है, हमें ज़रूर कमेंट्स करें और हमें हमारी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। हाँ जी, और साथ थोड़ा मीट दिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत सॉफ्टनेस आती है और टेस्ट भी बहुत यमी सा लगता है। और आप भी क्रीम डाल के अपनी ये रेसिपी बना सकते हैं और इससे आपको बहुत अच्छी और बहुत टेस्ट आएगा। और बाकी शलजम डालते हुए आपको दिखाती हूँ। अब इसमें हम पालक ऐड कर देते हैं, पालक धनिया वगैरह इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब साथ ही शलजम ऐड करके जैसे ही शलजम करते हैं फिर हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर देते हैं, अच्छी तरह इसको भून लेते हैं और ये 10-15 मिनट तक हमारी शलजम रेडी हो जाते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं और इसको 10-15 मिनट के लिए स्टीम पे रख देते हैं और इसमें हम पानी कम ही ऐड करेंगे। हम इसको इसके अपनी ही स्टीम से बनाएंगे ताकि इसका जायका और टेस्ट अच्छा रहे। और एंड पे इसमें ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर डाल के आपको दिखाते हैं, ये अच्छी तरह भुन जाएगी। और फिर हम इसमें ये आप ये देखिए, अब हमारा शलजम गोश्त रेडी हो चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह मैश भी, अगर इसकी लुक भी इतनी अच्छी लग रही है। आप इसी तरीके से मेरी रेसिपी को ट्राई करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसका टेस्ट कैसा है, अपने बना के हमें बताना है। और ये ज़रूर बताना कि कहाँ कहाँ से लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बहुत ज़्यादा YouTube फैमिली हमारे साथ रहे। ओके।